हमारे समाज के साथ जो 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव में हुआ था, भीमे कोरेगांव में, हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं सरकार का, महाराष्ट्र का और केंद्र की सरकार का, जिन्होंने हमारे लोगों के लिए प्रॉपर वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की। 1818 में ये जो छोरिया दिवस से जो शुरू हुआ था, 200 साल से जो मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार आरएसएस और जो भारत के विरोधी संगठन से और बीजेपी की सरकार की जानबूझकर हमारे लोगों पे वो वहाँ पे लाठियाँ बरसवाई गई और कुछ गुंडे लोगों को तैयार करके उस माहौल के बीच में उनसे तलवारों से काटा गया, मारा गया, पीटा गया और हमारे बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ जलाई गई, कई लोगों के घर जलाए गए। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से केंद्र और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से ये हमारा प्रोटेस्ट जो है इस मामले में है कि वो हमारे लोगों को तत्कालीन वहाँ रिलीफ दे, जिन लोगों को नुकसान हुआ है जानी या माली उसका प्रॉपर कंपनसेशन दे और जिन लोगों ने ऐसा माहौल इस भारतवर्ष में पैदा किया है उन लोगों को सलाखों के पीछे दे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दलित विरोधी सरकार हो बर्बाद।